ताजा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS Now। गेट है, BTC है, BEd है, परीक्षा में बैठे हैं, परीक्षा छूट गई है, सबसे अनुरोध करता हूं कि अगर अपने जीवन को खुशहाल बनाना है तो आपको परिवर्तन लाना होगा। अब आप परिवर्तन की तरफ चलिए और इनसे उम्मीद कुछ मत कीजिए। यही मेरा आपसे निवेदन है और बैठे हुए सभी अग्रजों से भी निवेदन है कि आप लोगों ने जितना सहयोग हमारा किया है शिक्षा मित्र निदेशक का, उतना कोई नहीं कर सकता है। मैं बार बार आपका आभारी हूं और ये चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बदलाव हो और शिक्षा मित्र निदेशकों के जीवन में भी बदलाव हो। इसी आशा विश्वास के साथ कि सभी लोग इसमें मदद करेंगे और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में बदलाव होगा। तभी शिक्षा मित्र और अनुदेशकों के बदलाव हो सकता है जब हमको ड्यूटी से हटाया जा सकता है। 2017 में लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने कहा कि शिक्षा मित्रों की ड्यूटी चुनाव में न लगाई जाए, BLO न बनाया जाए। इस बार कह रहे हैं चुनाव में ड्यूटी न लगाया जाए। तो अगर आप इतना हमको उपेक्षित मानते हैं, और मैं तो ये मानता हूं कि आज हमने चुनाव आयोग से मांग किया कि हमको पोस्टल बैलेट इशू कराया जाए, अन्यथा ये हम लोगों को मताधिकार से भी वंचित करने की स्थिति में खड़ा कर देंगे। इसलिए इनसे हमें सावधान रहना है और अपने जीवन की सुरक्षा के लिए अनुदेशक भाइयों या जितने भी संविदा कर्मी साथी हैं, सब लोगों को परिवर्तन की तरफ बढ़ना पड़ेगा और आप सबका आशीर्वाद अपेक्षित है। धन्यवाद। और जितने भी डिबेट में हमारे साथी बैठे हैं सभी का बहुत बहुत आभार, लेकिन विशेषकर आपका आभार और आदरणीय सुरेंद्र दुबे जी का आभार कि आप दोनों लोगों ने मिलकर के हम लोगों को बहुत आगे पहुंचाने का काम किया, सरकार तक हमारी समस्याएं पहुंचाया। हम हो या अनुदेशक हो, आंगनबाड़ी हो, किसी ने कोई ऐसी चीज सरकार से नहीं मांगा था कि जिससे सरकार का कोई नुकसान होता। मैं तो अपने स्थायित्व की लड़ाई लड़ रहा था, अनुदेशक अपने स्थायित्व की लड़ाई लड़ रहा था, आंगनबाड़ी अपने प्राथमिक को अधिक करने की लड़ाई लड़ रही थी, और तमाम इस प्रदेश का 17.5 लाख संविदा कर्मचारी निरंतर सरकार के संपर्क में रहा और यही चाहता था कि मुझे सरकार कुछ ना कुछ दे और हमारी स्थिति बेहतर हो। खासकर शिक्षा मित्रों के संबंध में अगर हम आपसे बात करें तो आपने मेरे दर्द को बेहतर समझा। और हम लोग सहायक अध्यापक बन चुके थे, हमने सारी योग्यताएं पूरी कर ली थी। अभी कुछ साथी सुप्रीम कोर्ट चले गए, समायोजन निरस्त हुआ, उसके बाद सरकार के पाले में गेंद आया और ये हुआ कि सरकार जैसा चाहे वैसा इनको समायोजित कर सकती है। हम लोगों में 60,000 लोग TT पास हैं और पूरे देश में भारत के राजपत्र में स्नातक के बाद, बहुत तो सारे राज्यों में तो इंटर के बाद TET और या BTC के बाद TET करके लोगों ने अध्यापक बना दिया। उत्तर प्रदेश में 98 में अमेंडमेंट हो गया था, यहाँ 10+2+ स्नातक, स्नातक के बाद BTC और BTC के बाद TET की बात आई। तो 60,000 लोग हमारे TET हैं, उनको इन्होंने अध्यापक नहीं बनाया। शिक्षा मित्रों को रोकने के लिए सुपर TET लागू कर दिया और सुपर TET लागू करने के बाद ज्यों ज्यों शिक्षा मित्र तैयारी करता गया त्यों त्यों सुपर TET का कटाप वो बढ़ाते चले गए और लास्ट में उन्होंने 60-65 पे जाके रोका। तो शिक्षा मित्रों को नियुक्ति नहीं दी। अभी बलायत माननीय मंत्री जी ने सदन में घोषणा किया, मुख्यमंत्री जी ने, हम वीडियो आपको भेजेंगे कि आंगनबाड़ी अनुदेशक रसोईया शिक्षा में सभी का मानदेय बढ़ाएंगे, बजट भी प्राविधान कर लिया, लेकिन एक भी पैसा इन्होंने बढ़ा करके शासनादेश जारी करने का काम नहीं किया। हमारे अनुदेशक साथी भाई विनय जी बैठे हुए हैं, उनको भी मालूम है, हमारे शिक्षा मित्र साथियों का मानदेय नहीं बढ़ाया, हमारे आंगनबाड़ी का मानदेय बढ़ाया उसका शासनादेश नहीं किया, रसोइयों का मानदेय बढ़ाया शासनादेश नहीं किया, और आज इतना बड़ा डर इनको सता रहा है कि शिक्षा मित्र और अनुदेशक को चुनाव ड्यूटी से ये बहिष्कृत कर रहे हैं, हटा रहे हैं। तो हमने भी आज रात निर्वाचन आयोग को, आदरणीय शुक्ला जी को लिख करके दे दिया है कि शिक्षा मित्रों को, अनुदेशकों को, रसोइयों को, या जो हमारे आंगनबाड़ी हैं, जिनको रोजगार सेवकों को, जिनको ये ड्यूटी से हटा रहे हैं, सबसे